हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईआईटी जम्मू के बारे में, दैट इज़ अ थर्ड जनरेशन आईआईटीज। ठीक है, थर्ड जनरेशन आईआईटी है और मैं इस बारे में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं यार, दैट थर्ड जनरेशन आईआईटीज आर ऑल्सो गुड प्रोवाइडेड यू हैव अ सफिशियंट इन्फॉर्मेशन और आप एक अच्छे प्रोग्राम में लाइक प्रॉपर रिसर्च करके अगर आप अप्लाई कर रहे हो, स्पेशली फॉर टायर थ्री कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि पास आउट हो चुके हैं, उनके लिए थर्ड जनरेशन आईआईटीज आर ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, तो आईआईटी जम्मू के बारे में बात करूँगा। जब मैं थर्ड जनरेशन आईआईटीज की बात करता हूँ तो टॉप में मैं तकरीबन डिस्कस करना सबसे ज़्यादा बेहतरीन समझता हूँ, तो दैट इज़ आईआईटी तिरुपति एंड आईआईटी जम्मू। ठीक है, दे आर डूइंग रियली गुड। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँगा एमटेक प्रोग्राम पीजी एडमिशन रिगार्डिंग आईआईटी जम्मू। ठीक है, तो स्टार्टिंग से बताते हैं भाई कैसे आप जा सकते हो। आईआईटी जम्मू आप सर्च करोगे, यू लैंड ऑन दिस पेज। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो ये है पूरी आईआईटी जम्मू की वेबसाइट। ओवर हेयर इन द कॉर्नर देर इज़ पी जी एडमिशन 2022। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे देन दिस पेज कम्स अप। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली सारा का सारा दे रखा है। ठीक है, और आपके लिए कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जो मेन स्ट्रीम है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज डेटा साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। वॉट? डेटा साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, ओके। अगर मैं डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की बात करूँ, वी हैव इट डाउनलोडेड। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। एडवर्टाइजमेंट, ओके। तो देखिए भाई, सो आपके लिए प्रोग्राम आपको पता ही है, जैसे कि अभी भी बोला, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस, दीज आर द टू प्रोग्राम्स इन विच यू कैन अप्लाई। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में अगर जाएं तो डेटा साइंस के लिए कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड देयर क्वालिफाइंग डिग्री BE/BTECH MSc इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, इनमें से किसी में भी है तो दे कैन अप्लाई। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दे मस्ट हैव अ वैलिड गेट स्कोर इन सेम क्या CSE, EC, MA एंड स्टैटिस्टिक्स। बोला गया भाई मिनिमम आपका 300 स्कोर होना चाहिए, SC/ST वालों के लिए 200 का स्कोर होना चाहिए गेट में। ठीक है, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। जैसे होता है ना, गेट का कट ऑफ आता है 25 या 28, कितना गया, तो मैं इधर एडवाइस करूँगा यार 500 अबव जिसका भी है गेट स्कोर, दे मस्ट अप्लाई। 500 अबव अगर आपका गेट स्कोर है, यू मस्ट अप्लाई। जनरल EWS OBC की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, OBC में भी मैं थोड़ा सा पीछे जा सकता हूँ 450 गेट स्कोर पर। ठीक है, बाकी SC/ST के लिए मैं बोलूँगा 300 प्लस है, PW है 300 प्लस है, सो यू मस्ट अप्लाई। ठीक है, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है, जो क्राइटेरिया आपको दे रखा है, दैट इज़ प्राइमरी स्क्रीनिंग, दैट इज़ फॉर स्क्रीनिंग पर्पज ओनली, फर्दर देयर कैन बी टेस्ट एंड और इंटरव्यू। टेस्ट हो सकता है, साथ में हो सकता है इंटरव्यू हो या ना हो, बट देर आर चांसेस, टेस्ट जरूर होगा। ठीक है, जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनका। सिमिलर इज द केस फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एग्जैक्टली सेम है भाई, कि आपका BE/BTECH MSc किस में होना चाहिए, CSE, EE, MA और स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, और गेट स्कोर के बारे में बता रखा है, गेट स्कोर किस में होना चाहिए वो भी बता रखा है आपको। ठीक है, एंड सेम स्टफ कि भाई स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए है, जो भी आपका क्राइटेरिया बोला गया है। ठीक है, आपका टेस्ट होगा। ठीक है, इंटरव्यू इट डिपेंड्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, दैट इज प्योरली अप टू IIT जम्मू। ठीक है, ओके। एक ये भी है प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। ठीक है, जो ये वाला जो है, दिस इज नॉट बाय कंप्यूटर साइंस डायरेक्टली, दिस इज जॉइंटली ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। तो इसमें भी आपका एग्जैक्टली बता रखा भाई किस किस के अंदर आपकी क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए और गेट स्कोर किसका चाहिएगा, एग्जैक्टली रिटर्न है, गेट स्कोर एंड मस्ट हैव दिस। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली लिखा हुआ भाई कहाँ कहाँ पे आपका, किस ब्रांच में आपका BE/BTECH या MSc होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा कोर्स फी, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, जस्ट वेट फॉर दैट। ठीक है, एप्लीकेशन फी की बात करें तो दैट इज 300 फॉर जनरल EWS एंड OBC, एंड फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल इट्स गोइंग टू बी 200 ओनली द एप्लीकेशन फीस। ठीक है, तो जैसे कि हर IIT के लिए है भाई, और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है CUP के बारे में कि यार CUP का रजिस्ट्रेशन नंबर तो सबको चाहिएगा ही, बिकॉज दैट इज कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। तो वहाँ पर आपके सारे ऑफर दिए जाएंगे आपको, आप सेपरेटली हर IIT में अप्लाई कर रहे होंगे तो उनको CUP का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका चाहिएगा, ताकि CUP में वो अपना ऑफर दे सकें अगर आप क्वालिफाई करते हो, इफ दे फाइंड यू सुटेबल। ठीक है, तो CUP में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो 18 अप्रैल इज योर लास्ट डेट, अप्लाई बिफोर दैट। ओके,
ओके, दैट्स ऑल। ओके, ये आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। प्रोविजनल डिग्री, थर्ड डिग्री, अगर मैं थर्ड डिग्री, सॉरी नॉट थर्ड ईयर में हो तो क्या है, फोर्थ ईयर में है तो क्या है, ठीक है। थर्ड ईयर वाले तो वैसे मतलब दे आर एलिजिबल फॉर गेट, बट दे कैन नॉट टेक एडमिशन ओवर हियर, ठीक है। तो फोर्थ ईयर वाले जिनका रिजल्ट अवेटेड है, क्या नहीं, जो अभी शायद देंगे, उन सभी के लिए यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीज़ें मैंशन है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ फीस के लिए, फीस के बारे में बताते हैं भाई आपको। तो अगर आप फीस देखेंगे, सो दिस इज द फीस, एग्जैक्टली लिखा हुआ है भाई, एवरी सेमेस्टर यू हैव टू पे 20,000 एवरी ऑड सेमेस्टर, बिकॉज दैट्स एन एनुअल फी। फर्स्ट सेमेस्टर में दोगे और थर्ड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेकेंड का मिला के एनुअल फीस बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में यू विल पे 3,100 एंड देन इन थर्ड सेमेस्टर सेमेस्टर फीस अलग से, ठीक है। ये भी आपको हर सेमेस्टर पे करना है। वन टाइम पेमेंट ये एक बार का है। सिक्योरिटी फी 10,000, ये भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। टोटल जो आपको फर्स्ट टाइम में देना है दैट इज गोइंग टू बी 62,000, ठीक है। टोटल सिर्फ इतना। अगर आप डिफेंस के हैं या स्पॉन्सर्ड हैं देन इट इज़ गोइंग टू बी दिस वन, ठीक है। अब इसमें ये लगा लीजिए, इतना आपको हर बार नहीं देना पड़ेगा। जो हर बार टोटल बनेगा, अगर आप इसको गौर से देखोगे, सॉरी, जो आप गौर से देखोगे दैट इज गोइंग टू बी दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। दिस इज वन टाइम, दिस इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और ये सिर्फ आपको कब पे करना है, ऑड सेमेस्टर में, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये देख सकते हो नॉर्मली आपको 44,000 समथिंग बन जाएगा, ठीक है, बाकी के सेमेस्टर्स के लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा 3,100 और एक्स्ट्रा हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द फी एट IIT जम्मू, ठीक है। सो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया भाई किस गेट स्कोर पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पर अप्लाई करना है एग्जैक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से वेबसाइट पे जा करके। सो ये जो पोर्टल था, यहीं पर आप ये ऑप्शन देखोगे अप्लाई ऑनलाइन PG एडमिशन में जाकर के जो आपको मिला था, एंड ओवर हेयर यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ, ठीक है। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा पहले, एंड देन यू कैन लॉग इन और अपनी डिटेल्स फिलअप करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो थर्ड जनरेशन IITs आर ऑल्सो गुड ऑप्शन एज आई हैव टोल्ड यू, तो इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा एंड डू अप्लाई, ठीक है। थैंक यू गाइज़।